हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज स्टार्टर रेसिपी चिकन चिली। चिकन चिली बनाने के लिए पहले हमें चिकन को मैरिनेट करके रखना पड़ेगा। उसके लिए हमने ये 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है। ये हाफ टी स्पून हमें सोया सॉस लगेगा, हाफ टी स्पून हम रेड चिली सॉस लेंगे, हाफ टी स्पून हम विनेगर लेंगे। ये 1/4 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। एक अंडा हमने बीट करके लिया है, वो हम ज़रूरत के अनुसार यूज़ करेंगे। 1/4 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून हमने नमक लिया है, नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे, और एक टीस्पून हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेंगे। आइए फ्रेंड्स, मैरिनेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये एक टीस्पून हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, ये 1/4 टीस्पून हम रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे जो मैंने हाफ टी स्पून लिया है। अभी हम इसमें सॉसेस ऐड करेंगे। ये हाफ टी स्पून हम सोया सॉस लेंगे, हाफ टी स्पून हमने विनेगर लिया है सिरका, और हाफ टी स्पून हम रेड चिली सॉस लेंगे। यह अंडा हमने बीट करके लिया है, ये हम सब नहीं डालेंगे। अभी मैं आधा अंडा डालती हूँ और बचा हुआ मैं अगर लगा तो डालूंगी। इसे हम आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे। आइए फ्रेंड्स, ये हमने मैरिनेशन के लिए रखा था। अब हम इसमें ये 3 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, ये इसमें मैं ऐड करती हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है, ये भी मैं इसमें डालती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। ये हमने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रखा है। अब हम ये जो मैरिनेशन हमने करके लिया था, ये पीसेस इसमें फ्राई करेंगे। पीसेस एक एक करके डालेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं, और थोड़े थोड़े करके हम इसे फ्राई करेंगे। इसको हमें स्लो पे फ्राई करना है ताकि अच्छे से वो पक जाए। पीसेस को हम अभी पलटेंगे, एक साइड से वो थोड़े फ्राई हो चुके हैं। हम इसे स्लो पे फ्राई कर रहे हैं ताकि इसमें का सभी मॉइस्चर निकल जाए और ये अच्छे से क्रिस्पी बने। इन्हें प्लेट पे निकाल लेंगे। ऐसे ही बाकी के पीस इसमें डालेंगे फ्राई करने के लिए। मैंने स्लो पे ही फ्राई कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से पक जाए अंदर से। ये हमारे चिकन के पीसेस फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने सभी चिकन पीसेस को फ्राई करके लिया है। आइए फ्रेंड्स, हम अभी चिकन चिली का सॉस बनाना शुरू करते हैं। तो उसके पहले हम इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। ये मैंने एक मीडियम साइज का प्याज क्यूब्स में कट करके लिया है। ये ग्रीन बेल पेपर है, ये है ये रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, इनको सभी को मैंने छोटे क्यूब्स में कट करके लिया है।
ये हाफ कप मैंने स्प्रिंग ऑनियन लिए हैं, दो हरी मिर्चें मैंने स्लिट करके ली है, 10-15 लहसुन की कलियां है जिसे बारीक कट करके लिया है, 1.5 इंच का अदरक का पीस भी मैंने बारीक कट करके लिया है, नमक हमें स्वादानुसार लगेगा, 1 टीस्पून हमने रेड चिल्ली पाउडर लिया है, ये मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है जिसमें मैंने 2-3 टेबलस्पून पानी डाल के उसके स्लरी बना के ली है, 1/2 टीस्पून हमें विनेगर लगेगा, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली सॉस लगेगा और 1/2 टीस्पून हम सोया सॉस यूज़ करेंगे। तो आइए चिकन चिली का सॉस बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 2 टेबलस्पून ऑयल कढ़ाई में रख लिया है, अभी इसमें हम ये गार्लिक डालेंगे, जिंजर डालेंगे, और 2 हरी मिर्चें हमने स्लिट करके ली थी वो डालेंगे, और इसमें अभी ये प्याज डालेंगे। प्याज को हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट हो चुका है प्याज को फ्राई होते हुए, अभी हम तीनों तरह के शिमला मिर्च इसमें ऐड करेंगे। इनको भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इसमें ये नमक डालेंगे, नमक आप टेस्ट के अनुसार डालिए। ये थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन हम इसमें डालेंगे और थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। रेड चिली पाउडर लिया है, ये मैं इसमें ऐड करती हूँ। ये सभी तरह के सॉस हम 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे। ये रेड चिली सॉस है, सोया सॉस है और विनेगर है, सभी को हमने 1/2 टीस्पून डाला है। अब हम इसे थोड़ा सा पानी डालेंगे, हमें इसको कोटिंग कंसिस्टेंसी रखनी है इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। हमने इसमें 1/4 कप पानी डाला है। अभी पानी को उबाल आ चुका है, अब हम इसमें ये जो हमने कॉर्न स्लरी बनाई थी ये ऐड करेंगे। इसे अच्छे से स्टर करेंगे और एक सॉस बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सॉस का कलर कितना अच्छा आया है। सॉस उबल चुका है, अब हम इसमें ये चिकन के पीसेस ऐड करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कि हमारे चिकन का कलर कितना अच्छा आया है। और 1 मिनट हम सॉस के साथ चिकन को भून लेंगे और ऊपर से हम ये हरा प्याज। अभी गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेंगे। हमारा चिकन चिल्ली बनके तैयार हो चुका है, इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चिकन चिली का रेसिपी बनके तैयार हो चुका है। इसे हमने स्प्रिंग ऑनियन के साथ गार्निश किया है। ये हमारा रेसिपी बहुत ही अच्छा बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।